हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और यहाँ पे बात हो रही है कि 5 साल में पेट्रोल ही खत्म कर देंगे। यस, नितिन गडकरी जी का ऐसी बात कुछ आ रही है, इन 5 ईयर्स इंडिया विल स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, 5 साल में देश में बैन हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल बैन ही हो जाएगा? अच्छा जी, खत्म ही, लेना ही देना ही खत्म। चलो देखते हैं इसी चीज पे आज का मिक्स मैच है। रिएक्शन आपको मिक्स सेशन देखने में मजा आती है, वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और रिएक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 5 साल विदिन 5 ईयर्स इंडिया को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होगी, ग्रीन फ्यूल विल एंड द नीड फॉर पेट्रोल इन इंडिया आफ्टर 5 ईयर्स। ये कहा है नितिन गडकरी साहब ने। अब स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है, कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, इवन वर्ल्ड मीडिया भी इस पर बात कर रहा है कि अगर 2027 तक इंडिया ऐसा कर देगा तो इससे जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आएगा, क्योंकि तब तो इंडिया को कच्चे तेल की इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। तब सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूंगा रशिया, इन सब कंट्रीज पर इंडिया की जो डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तब एक तो एक नया इंडिया इमर्ज होगा, वो कैसा होगा। तो इस पर अभी काफी डिबेट चल रहा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि 2027 तक देश में पेट्रोल की आवश्यकता ना हो, पेट्रोल व्हीकल्स विल वैनिश, वैनिश होता है गायब हो जाना, क्या ये लिटरली गायब हो सकती है भारत से विद इन 5 ईयर्स। और कई तो देखो आर्टिकल ये भी क्लेम कर रहे हैं कि देश में पेट्रोल बैन हो जाएगा। अभी तक बैन वाली कोई बात कंफर्म नहीं हुई है, यही बात है कि हम इतने अल्टरनेटिव्स ले आएंगे कि लोग खुद ही पेट्रोल इतना यूज नहीं किया करेंगे। और इसका मेन रीजन आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा, एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा कॉस्ट। कच्चा तेल अगर रह गया 2-3 साल में $100 के आसपास, यूक्रेन रशिया वॉर चलती रही, इंडिया ऐसे रेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, दिस विल बी डेवास्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमी। तो हमें चाहिए अभी अल्टरनेटिव, और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन फ्यूल को। नाउ इलॉन मस्क नितिन गडकरी साहब के आइडिया से इन द पास्ट डिसएग्री क्यों कर चुके हैं, इलॉन मस्क की क्या सोच है यहाँ पर, ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने कच्चा तेल इंपोर्ट करने में, खरीदने में कितने पैसे खर्च दिए थे, कितने डॉलर खर्च दिए थे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 50 बिलियन, 119 बिलियन, 345 बिलियन, या फिर 81 बिलियन डॉलर। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। 100+ ही होगा जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। नाउ पेट्रोल के रेट्स अगर आप आज के समय देखो तो पूरे देश में ऑन एन एवरेज आराम से आपको 100 रुपए के आसपास पेट्रोल मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में आपको रेट कम मिले, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आप देखोगे तो रेट आपको कम मिलेंगे, बाकी जगह रेट ज्यादा है। तो इस सब की वजह से देखो बहुत प्रॉब्लम आती है, आम इंसान की जेब पर बोझ पड़ता है। उसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल से होता है, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन फ्यूल के प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक होता है। इस सब के अलावा आप देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि पेट्रोल हम बनाते किससे हैं, कच्चे तेल से। अब कच्चा तेल किससे हम ले रहे हैं, उसमें भी जियोपॉलिटिक्स होती है। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री को यूरोपियंस को यह जवाब देना पड़ा कि अच्छा अगर हम लोग रशिया से तेल परचेज करते हैं तो हम वॉर को फंड कर रहे हैं, क्या तुम लोग इतने बड़े स्केल पर जो परचेज करते हो नेचुरल गैस और कोल और क्रूड ऑयल, उसमें वॉर को फंड नहीं किया जा रहा? तो हर तरफ से आप अगर देखें तो इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल ड्रीम होगा अगर हम कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म कर दे। इंडिया विल बिकम ए मच मच स्ट्रॉन्ग कंट्री इफ दैट हैपेंस। और इसलिए नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि ग्रीन फ्यूल, अब ग्रीन फ्यूल की ये बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्राइमरली फोकस कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पर। अभी ऑलरेडी आपको पता होगा कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग बड़े स्केल पर चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं सीएनजी का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है ग्रीन हाइड्रोजन पर। कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बार इसको हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, गेम चेंजर है। ऑलरेडी आपने देखा होगा हमारे देश में अडानी, रिलायंस, वेरियस कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, और उम्मीद ये है कि ये बनेगा फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये दिलवाएगा इंडिया को आर्थिक आजादी। ना सिर्फ नितिन गडकरी, अंबानी, अडानी, इवन बिल गेट्स का भी ये मानना है कि इन द फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन से काफी तरक्की हो जाएगी। मगर एक इनोवेटर है, एक आप कह लीजिए आज के समय एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, इलॉन मस्क। ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, ये एक्चुअली बिल गेट्स का मजाक भी उड़ा चुके हैं ओपनली मीडिया के सामने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर। इनके हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन एक खराब आइडिया है, ये कभी भी चलने नहीं वाला। और कई बार तो मैंने ट्विटर पे भी देखा है कि कोई अगर लिख देता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो सीधा इलॉन मस्क उसके नीचे हंस देते हैं। और लिटरली इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि हाइड्रोजन को एनर्जी की तरह यूज करना इट इज द मोस्ट डम थिंग, सबसे ज्यादा खराब आइडिया। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं,
इलॉन मस्क ऑब्वियसली बात है वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, एक बहुत बड़े इनोवेटर है, जब ये कुछ बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मगर मुझे ये भी आप ऐड करना पड़ेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, इसका जो बिजनेस है ये भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो जब इलॉन मस्क बार बार ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में खराब बोलते हैं तो इसके पीछे इनका एक जो बिजनेसमैन वाला दिमाग है वो भी है। तो सारे पर्सपेक्टिव है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा गडकरी साहब, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, ये सब ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रहे हैं, इलोन मस्क, उसके अलावा कुछ और लोग भी है वो कह रहे हैं कि जी ये कभी चलेगा ही नहीं, ये आइडिया ही डम्ब आइडिया, बेवकूफ आइडिया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ये काम कैसे करेगा? देखिए हाइड्रोजन आपको पता होगा सिंपलेस्ट और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम के साथ, और हाइड्रोजन को हम एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमको काफी दशकों से जानकारी थी। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि हाइड्रोजन प्राप्त कैसे करें, आएगा कहाँ से हाइड्रोजन? अब इसके आंसर में काफी लोगों ने कहा कि पानी, आई मीन लिटरली H2O, पानी में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके अलावा हाइड्रोजन मिलेगा, तो क्यों ना हम कुछ एक रिन्यूएबल सोर्स से एक इनिशियल झटका दे पानी में, ताकि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर हो, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट हो, उससे अलग हो जाएगा हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन से जो भी गाड़ी चलानी है आपको, बस चलानी है, ट्रक चलानी है, चला लो, बहुत ही बेसिक सिंपल सा आइडिया है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का, और जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ना वैसे ही ब्लू हाइड्रोजन भी है, ग्रे हाइड्रोजन भी है। घूम फिर के देखो आइडिया यही है कि आपको हाइड्रोजन को अलग करना है और हाइड्रोजन से आपको अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ये आपको बनानी है। ग्रे हाइड्रोजन में आप अगर देखो तो हम यूज करते हैं नेचुरल गैस का, मगर एक बात यहाँ पर खराब ये है कि इसमें CO2 जो है ये हम एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं, क्योंकि काफी बार नेचुरल गैस कोल मीथेन का जब आप यूज करोगे हाइड्रोजन बनाने के लिए तो एनवायरमेंट को नुकसान होगा। ब्लू हाइड्रोजन में आप क्या करते हो कि CO2 को स्टोर किया जाता है और उसको रीयूज किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है। और इंडिया ने रास्ता चुना है ग्रीन हाइड्रोजन का, जहां पर बेसिकली जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने का प्रोसेस है वो हम किक स्टार्ट करेंगे रिन्यूएबल पावर से, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर पावर हो। आप किसी स्टेशन पर गए, जिस तरीके से पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो ना, वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन का भी स्टेशन होगा, वहां पर जो आपकी गाड़ी का फ्यूल सेल है ना इसको आप वापस किक स्टार्ट कर सकते हो। मगर जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन होगा, हो सकता है कि वो सोलर पावर पर चले या फिर विंड एनर्जी पर चले। तो आइडिया अपने आप में बहुत यूनिक है, मगर घूम फिर के देखो इलॉन मस्क इस आइडिया का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि ये कहते हैं स्टोर कहाँ पे करोगे हाइड्रोजन एनर्जी को, हो सकता है कि स्टोर करने में प्रॉब्लम आए। उसके अलावा इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि ये पूरा प्रोसेस डेंजरस है, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे आप जानते हैं कंबस्टेबल है, फट सकता है, आग लग सकती है। तो आपके सामने एक इंजीनियरिंग चैलेंज है कि कैसे आप एक व्हीकल बनाओगे जहां पर ये पूरा प्रोसेस आप सेफली करोगे और ड्राइवर की जान ली जाएगी। मगर दुनिया भर में कई देश हैं, जापान है, जर्मनी है, इंडिया के अलावा कई और देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क चाहे डम बोले, स्टूपिड बोले, जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव लगा ले उनकी मर्जी है, मगर दुनिया क्लियरली इस एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। और इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर काफी तरक्की होगी, बहुत सी कार स्कूटर आएंगी जो ग्रीन हाइड्रोजन पर चला करेगी, और बताया जा रहा है कि ये पेट्रोल से काफी सस्ता होगा, इसको आराम से 70 रुपीज प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। मगर मैं इस सब पर अभी कॉमेंट नहीं कर सकता कि ये कितना सस्ता होगा, ये मतलब पेट्रोल के मुकाबले कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कौन सा व्हीकल परचेज करते हो, आपका व्हीकल बनाया किसने है, टाटा ने, हुंडई ने, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो गडकरी साहब ने जो कहा है ये ऐसा नहीं है कि कोई पाइप ड्रीम है। हमारे देश में ऑलरेडी आपने देखा होगा एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट हो चुका है जिसके अंडर बहुत सा काम हुआ है। नीति आयोग ने रिसेंटली कहा है कि 10 स्टेप्स हम उठा सकते हैं टू मेक इंडिया ए ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन पावर। इनमें से एक स्टेप इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमको पार्टनरशिप बनानी होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनानी होगी जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जर्मनी के साथ। तो पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, दिस कैन बी गेम चेंजिंग। और मैं आपको ये बता दूं, देखो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन। काफी बार देखा गया इतिहास में कि जब इन्वेंशन होती है, जब नए आइडियाज क्रिएट होते हैं ना, तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो होता है नीड, नेसेसिटी, के चाहिए कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए। तो हम इस स्थिति में आ चुके हैं, कच्चे तेल के दाम जो पहुंच गए हैं,
इट विल हर्ट इंडिया बैडली। तो कहीं ना कहीं हमको इनोवेशन करके, नए आइडियाज क्रिएट करके एक नया रास्ता बनाना होगा। नाउ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने कितना पैसा खर्चा था कच्चे तेल को परचेज करने में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 100। आई थिंक इस बात को इसलिए सीरियस लिया गया क्योंकि नितिन गडकरी जो अगर आप बताया गया, नितिन गडकरी जी एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करते हैं, ऐसे नहीं कि हवा हवा में बात कर देते। आई थिंक इसके पीछे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकता है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बात हो रही है, अभी एक दो दिन पहले मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी, तो हो सकता है बाकी ग्रीन फ्यूल्स पर बात हो रही है, बहुत सारी इस पर बातें हो रही है। तो 500 में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की बारी पिक्स में सब रिएक्शन, आपको मेरे रिएक्शन देखने में आ जाते हैं, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।